ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बिहार का। बिहार में राजनीति की अगर बात की जाए तो वो गर्मा गई है। नीतीश सरकार पर हिंसा रोकने में नाकामयाब रही है। ये बड़ा हमला सुदीन ओवैसी का है। नीतीश को अफसोस नहीं है, इफ्तार पर गए हैं ये कहना है। असदुद्दीन ओवैसी का मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है नीतीश सरकार। आपके हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते हैं, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है, और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती तो। फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे? होम मिनिस्टर साहब, कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलाइज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं? तो बंगाल के हिंसा को कैसे देख रहे हैं सर? मैं जो वायलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है, वो उनकी नाकामी है। और जो प्रोसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका प्रोसेशन निकाला गया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस को ना होने दें। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।